आजमगढ़ के पलना में चैत नवरात्र के शुभ अवसर पर मां पालमेश्वरी देवी का दर्शन करने पहुंचे मानव समाज सेवी राम सभद भारद्वाज ने किए दर्शन व पूजन। नौ दिन से लगातार चल रहा था कठिन व्रत, अंतिम दिन माता रानी से लिए आशीर्वाद। माता रानी का दर्शन करने के बाद जनपद मऊ के ग्राम सभा खंड रायपुर भरकुआ व गोकुलपुरा में पहुंचे, जहाँ पर राम प्रकाश पुत्र साधु पासवान के आवास पर नवरात्र के नवे दिन चैत नवरात्र के उपलक्ष्य में राजदेव तिवारी के द्वारा हवन पूजन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ माता रानी के आशीर्वाद से हवन पूजन संपन्न हुआ। राम सभद भारद्वाज प्रदेश संगठन सचिव ने कहा कि आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा आपको और आपके पूरे परिवार को धन वैभव सुख समृद्धि यश कृति आरोग्य सुख दीर्घायु जीवन बहुमुखी विकास बनाए रखे। चैत नवरात्र की यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। इस मौके पर विक्रम पासवान, मनिका पासवान, अमृत सरोज, बबलू सरोज, राम प्रकाश सरोज, कुनकुन पासवान, रजिंदर पासवान, धर्मेंद्र सरोज, चंद्रशेखर राजभर, डॉक्टर गुरमीत, महिला शक्ति और ग्राम के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पवन पुरोहिया, न्यूज मऊ, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम राम सभद भारद्वाज, मानव समाज सेवी, आज माँ पार्वती धाम पहुँचा हूँ। सबसे पहले मैं पुरैया चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आए दिन हम लोगों की खबर और समाज में पहुँचाने का काम करते हैं, और इस चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। माता रानी का आशीर्वाद इनको मिले। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज माँ पार्वती धाम दर्शन करने आया हूँ, और बड़ी आसीन कृपा माता की हम लोगों के ऊपर है और सदैव रहती है। माता में आस्था लगा करके माता पार्वती धाम पर आस्था लेकर के पहुँचते हैं। माता रानी पार्वती उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी माँ देवकी और मेरी पहला माँ पार्वती माता मेरी यशोदा है, और इनकी चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और यही माता जब मेरी सरस्वती बनती है तो स्वर देती है, लक्ष्मी बनी तो वैभव धन देती है, और दुर्गा बनी तो शक्ति देती है, काली बनी तो पापियों का नरसंहार करती है। कि भीड़ माता पार्वती के धाम पर लगी रहती है, माता रानी हर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। आपका नौ दिन लगातार कठिन व्रत रहा, क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा कि यह मेरी माता पिता और मेरे गुरु की देन है कि आज हमारी माँ ने इस मानव संसार में सुंदरता में रच करके उतारा है कि ले बेटा इस मानव संसार की सेवा करो। आज मैं संसार की सेवा कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ, और माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ झुक करके। आपके द्वारा मऊ में भी आप पहुंचे थे, मऊ में भी पूजा पाठ हुआ अंतिम दिन, और आप क्या कहेंगे? राधे तिवारी जी के द्वारा जो हवन पूजन हुआ उसमें सम्मिलित होकर के हम लोगों ने उस हवन पूजन को जो है संपन्न करने में सहयोग हमारी माता जी का था। और वह हमारी माता जी कुष्मांडा थी, कालरात्रि थी, एकंद माता और महागौरी, चंद्रघंटा, शैल पुत्री, शिवदात्री, माता महागौरी, माता श्री चौकिया महारानी और माता श्री हमारी विंध्यावासिनी चिंता रत्न प्रिया दक्ष कन्या विनाशनी काली खोर अष्टभुजी माता वैष्णो देवी योग माया की कृपा से हवन पूजन संपन्न हुआ। तो मऊ के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे आपके माता से नवरात्र? मऊ के क्षेत्रवासियों को यही कहूंगा, माता पिता की सेवा सबसे बड़ी भक्ति होती है, और माता पिता की सेवा सदैव करते रहे, लंबी दीर्घायु की मनोकामना करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। आपका